तो हम लोग बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले ना एकदम बेसिक बेसिक थ्योरी जैसा है, जैसे ना कि शुरू में पढ़ाने से पहले थोड़ी सी भूमिका बनाते कि ऐसे ऐसे करके हुआ, वो वाली चीजें। ठीक है, पहले ना हम लोग बोलते थे कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड्स को जो भी हमारे केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स थे, हमने उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तब सिर्फ इतना मीनिंग था, ये पुरानी थ्योरी है जो कि गलत है अभी। हाँ, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू राइट नाउ। जो पहले जमाने में जब भी हम लोग तभी जो सोचते थे थ्योरी की क्या चीज हो सकती है, तो बोले कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। प्लांट्स और एनिमल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनको एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल से हम लोग कौन से बोल सकते हैं, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी कंपाउंड्स हमको प्लांट्स या एनिमल से मिल रहे हैं उनको हमने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और जो भी कंपाउंड्स हमको नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं, उनको बोल दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, ये आयरन की, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें जो ये मिल रहे हैं, ये अपना पुराना वाला डेफिनेशन थी। ठीक है, कि जो प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो प्लांट्स और एनिमल, जो बाकी सारे के सारे जो मतलब प्लांट्स एनिमल से जो नहीं मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा, फिर ये तो अपनी पुरानी थ्योरी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और तब एक साइंटिस्ट, ठीक है, अच्छा, और उसी टाइम पर एक वाइटल फोर्स थ्योरी भी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको लैब में, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई प्रोटीन विटामिन बनाने के लिए, कोई भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए ना कोई वाइटल फोर्स चाहिए, वो वाइटल फोर्स चाहिए। वाइटल फोर्स जैसे कि आप ऐसे समझ लो कोई मैजिकल फोर्स चाहिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। ठीक है, बिकॉज वी नीड मैम वाइटल फोर्स। हाँ मैम, हम कल आइसोमेरिज्म कर रहे थे ना। बेटा, दिस इज क्लास 11, क्लास 11th का लेक्चर है ये। आइसोमेरिज्म व्हिच वी वर डूइंग इन यस्टरडेज क्लास, दैट वाज फॉर क्लास 12, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज क्लास 11th की क्लास है। ठीक है, सो 12th के बच्चों का चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन अभी 11th वाले बच्चे भी 12th में आ गए हैं ना, इसलिए मैं उसका लिंक आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ठीक है, पहली चीज, और आज है अपनी जैसे क्लास 11th का लेक्चर, लेकिन आज भी चैप्टर की शुरुआत ही है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड कर लेना, तुमको हेल्प यस मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ना वो लैब में नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? लैब में इसलिए नहीं बना सकते हैं, हम लोग अपने आप से इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए कोई वाइटल फोर्स चाहिए। वाइटल फोर्स जैसे कि कुछ मैजिकल सा फोर्स चाहिए जो कि हम लोग लैब में नहीं ला सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होता है। और वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी बर्जीलियस ने। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी है, उसी के बेसिस पर अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं।
लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी को, ठीक है, एक दो बारी पूछ रखा है ये वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना, इसलिए बता रही हूँ। सो वाइटल फोर्स थ्योरी को ना रॉन्ग प्रूव कर दिया एक साइंटिस्ट वोलर ने। वोलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया। अमोनियम साइनेट पहले उन्होंने बनाया कैसे, उन्होंने लैब में अमोनियम क्लोराइड लिया और के सी एच ओ, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और इसका नाम है पोटेशियम साइनेट, के प्लस सी एन ओ माइनस। उन्होंने इन दोनों को ट्रीट कराया, वोलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन दोनों को ट्रीट करवाया। जब भी इन दोनों को ट्रीट किया तो फिर हुआ क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अमोनियम के साथ साइनेट जुड़ गया, अमोनियम के साथ साइनेट जुड़ गया और के साथ सीएल जुड़ गया। ये उन्होंने किया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है इस कंपाउंड, इन दोनों जो सॉल्ट्स है ना उनके कटायन और अनायन एक्सचेंज होता है। ये एनएच फोर प्लस है सीएल माइनस, के प्लस है सीएल माइनस, तो कटायन अनायन एक्सचेंज हो गए, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनका अभी सिर्फ कहानी चल रही है, थोड़ा बहुत इसका कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में बाय चांस, तो इतना सा थ्योरी पता होनी चाहिए, ओके, ज्यादा इस पर रेलेवेंस नहीं है। उन्होंने ये अमोनियम साइनेट बनाया, ये जो अमोनियम साइनेट बनाया ना, इन्होंने इस अमोनियम साइनेट को हीट किया। जब इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया वोलर ने, तो क्या हुआ, इसके अंदर ना रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब एटम्स आपस में रीअरेंज हो गए और कंपाउंड बन गया NH2CO NH2, और इसको कहते हैं यूरिया। यूरिया जो है यूरिन सैंपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसमें प्रेजेंट होता है। तो अभी सुनो, सबसे पहले हमारी चल रही थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी उस जमाने में हम लोग ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो पिछले पेज पे लिखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे मिलता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग बींग से मिलता है, ठीक है, पहाड़ों से वगैरह से। NaCl है वो समुन्दर के पानी में सोडियम क्लोराइड होता है, तो ओशन वाटर सी वाटर उससे मिलता है हम, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये थी थ्योरी। और तभी हम लोग ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो हम लोग बना ही नहीं सकते लैब में, क्यों, क्योंकि उसके लिए कोई वाइटल फोर्स चाहिए, वो वाइटल फोर्स को बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में नहीं बना सकते, ये हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेंगे, और तब हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी ही चल रही थी। फिर क्या हुआ, फिर अचानक से वोलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया। जब इन्होंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका कटायन अनायन एक्सचेंज हो गए, इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला गया, ये वाला कटायन इसके अनायन के साथ चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, बन गया अमोनियम साइनेट, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट बन गया, ठीक है। अब जब उन्होंने बोलर ने अमोनियम साइनेट को हीट किया, तो इसमें रीअरेंजमेंट हुआ, कैसे, NH2CO NH2, और इसको बोलते हैं यूरिया। यूरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरिन सैंपल में, ह्यूमंस और एनिमल्स के यूरिन सैंपल में यूरिया प्रेजेंट होता है। तो सब लोग हैरान हो गए, सब लोगों ने बोला अरे ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे लैब में बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है, लैब में तो हम बना ही नहीं सकते, इसका मतलब
जो हम लोग इतने समय से वाइटल फोर्स थ्योरी मान रहे थे वो तो गलत है। इसका मतलब कोई जादुई फोर्स, कुछ वाइटल फोर्स नहीं चाहिए। इसका मतलब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज के बेसिस पर कि जब पोलर ने ये वाला यूरिया बना दिया, इसके बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन हमने क्या बोल दी कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा। मतलब वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर बेसिक मेन कार्बन जरूर होगा, कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और कार्बन जो है बॉन्डेड होगा किससे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, है ना, और फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी ले लेना, है ना। तो इन सारे के कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद इनमें से कोई हो भी सकता है कोई नहीं भी, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे होलर ने यूरिया बनाया, ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे कोल्ब करके, उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया था, और बर्थलॉट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मीथेन बनाया था। सो ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिए। वी नो कि जो एसिटिक एसिड है जो कोल्ब ने बनाया, कोल्ब ने लैब में बना दिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया, इसका मतलब वाइटल फोर्स की थ्योरी रॉन्ग हो गई कि हमको कोई जादुई फोर्स नहीं चाहिए। ऐसे ही बर्थलॉट ने मीथेन बना दिया, फिर से कोई वाइटल फोर्स की थ्योरी रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब कुछ तो वाइटल फोर्स तो कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में बना सकते हैं। सो अब हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन आ गई, ठीक है। क्या डेफिनेशन आ गई कि हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स को, ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और हम लोग ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स and its derivatives, ठीक है। Hydrocarbons क्या होते हैं, compounds of carbon and hydrogen only, उनको hydrocarbons कैसे कहते हैं, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे hydrocarbons है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, एकदम बेसिक बेसिक चीज है, एकदम ही सिंपल सिंपल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। आप लोग को एकदम जस्ट थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी हमने, आगे बढ़ू Yes, ma'am. हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी आपने जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, कौन से पढ़ रखे हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने कर रखे हैं हाइड्रोकार्बन्स जो आपने पढ़े हैं, alkanes, alkenes, alkynes। alkanes का molecular formula क्या होता है, ठीक है, यही होता है। और यहाँ पर H2N और यहाँ पर CN H2N minus। अच्छा, next ये वाले को बोलते हैं saturated, और इसको भी बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और इसको क्यों बोलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, क्या रीजन होता है उसका, म्यूट, कोई अनम्यूट करके बोलो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसमें नाइट्रोजन होती है नहीं होती, सैचुरेटेड वाले वो वाले होते हैं बच्चों जिसके अंदर कार्बन कार्बन के
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड ही हो तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ओके, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अगर अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ऑलराइट, अच्छा ऐसे करके बताओ मुझे, ये चीज लिख लो प्लीज, फिर मैं इसके वो लिख रही हूँ, मैं इस पे पानी पी रही हूँ और ये चीज नोट डाउन कर लो फर्स्ट एंड वो लिख लेते हैं। फर्स्ट एंड कंपाउंड्स लिख लेते हैं सबके। रिटर्न है ना, सो नेक्स्ट पेज पे चलो। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन्स की, ठीक है। इसके अंदर जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सो फर्स्ट मेंबर हो गया मीथेन। मीथेन कैसे बनता है, n की वैल्यू 1 रख दो, मतलब एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन अगर लिखे n को 1 लिख दे तो C2 1 2 + 2 तो CH4। ओके, समझ में आया ना, ये आता है ना आप लोग को, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, मैं बस फटाफट फटाफट इसका रिवाइज करवा रही हूँ, अगर नहीं आता तो बताओ मैं डिटेल में चलूं। मैम आता है, आता है ना, थैंक यू। ठीक है, तो CH4 अपना बन गया मीथेन, है ना। फिर C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H15। जल्दी से मुझे नाम बता दो मीथेन के बाद। इथेन। नेक्स्ट प्रोपेन। मैम ब्लर हो गया। प्रोपेन, एक सेकंड, मैं शांति से खड़ी हूँ तो थोड़ा सा, मैं ऐसा करते लिखते जाती हूँ शायद हो ही जाए, वरना मीथेन। ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन। पेंटेन फिर हेक्सेन। हेक्सेन हेप्टेन। हेप्टेन ऑक्टेन। ऑक्टेन नॉनेन। नॉनेन नॉनेन ठीक है, थैंक यू, आई थिंक अब तक ठीक भी हो गया। सो आई होप ये सबको आता है। ये हमने कैसे बोला, देखो आज की क्लास में ना मैंने नॉमेनक्लेचर शुरू करना है, नॉमेनक्लेचर मतलब कंपाउंड्स का नाम, ये वाली बात मैंने शुरू करनी है। तो उसी के लिए हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, अगर एक कार्बन है, सबसे पहले देखो कितने कार्बन प्रेजेंट है, अगर एक कार्बन है तो मेथ, METH, मेथ। दो कार्बन है तो एथ। तीन कार्बन है तो प्रॉप। चार कार्बन है तो ब्यूट। पांच कार्बन है तो पेंट। छह कार्बन है तो हेक्स। सात कार्बन है तो हेप्ट। आठ कार्बन है तो ऑक्ट। नौ है तो नॉन। दस है तो डेक। ये तो हो गए नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर। और क्योंकि ये एल्केन है, एन एन एन, तो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, सो पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं और फिर उसका सफिक्स लगा देते हैं। सफिक्स मतलब ये एल्केन है कि एल्कीन है कि अल्काइन है, ऐसे। ठीक है, एल्केन सबको आया। नेक्स्ट पे चल रही हूँ, एल्कीन पे। इसमें कुछ नोट डाउन करना है? यस मैम, कर लो बच्चे। बच्चों मुझे बताते जाना कि ये वाली चीज इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज को समझा दो, वरना जो चीज मुझे लगता है कि शायद 10th क्लास के तो फिर मैं आगे कहीं बढ़ ना जाऊं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है एल्कीन। एल्कीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर सी के साथ दूसरे सी का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कम से कम
एक सी सी डबल बॉन्ड होगा ही, कम से कम एक सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड होगा ही, ठीक है। और इनका जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर बच्चों हमको कम से कम दो कार्बन चाहिए, तभी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सी और सी के डबल बॉन्ड। तो इसलिए जो पहला इसका जो कंपाउंड है वो मेथ से ना शुरू होके इथीन होता है, सी टू एच, इधर टू है तो टू टू फोर, सी टू एच फोर, जिसका स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसे, ठीक है। इथीन कम से कम एक, मतलब एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक सेट ऑफ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इथीन, क्योंकि दो कार्बन है ना इसलिए एथ और एल्कीन का इन, ठीक है, तो इथीन। फिर प्रोपीन, प्रोप मतलब तीन कार्बन, ठीक है, तो हो गया सी थ्री एच सिक्स, सी थ्री एच सिक्स कैसे होगा, सी सी सी, ठीक है। अब क्योंकि इन है, इन इन मतलब कहीं ना कहीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो। अब तीन कार्बन बन गए, छह हाइड्रोजन लगाने, छह हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, आपको ये पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ये चीज पता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी चार होती है ना, यस मैम। तो आपको छह कार्बन लगाने, छह हाइड्रोजन लगाने, कैसे लगाओगे, इस कार्बन के दो इधर वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो तीसरा चौथा, चारों बॉन्ड्स बन गए, इस कार्बन के एक दो तीन, तीन बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो चौथा बॉन्ड, इस कार्बन का इधर एक बन चुका है, तो एक दो तीन। अब काउंट करोगे तो टोटल छह ही हाइड्रोजन आ रहे हैं, इथीन प्रोटीन। ऐसे ही नेक्स्ट में चलते हैं, वन टू, अब हमारा हो गया ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब सी फोर एच एट, ब्यूटीन हो गया, और सी फोर एच एट, तो ऐसे करके आपने बना दिया, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, लेट से मैंने इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, अब हाइड्रोजन बना दो बाकी बचे हुए, तो आठ हाइड्रोजन बन रहे, इसको हम बोलते हैं ब्यूटीन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटीन। अब इस ब्यूटीन, और चलो ठीक है अभी इतना ही, ठीक है, और एक पेंटीन बना देती हूँ, पेंटीन का फॉर्मूला हो गया सी फाइव एच टेन, तो एक दो तीन चार, ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो भी रिप्रेजेंटेशन भी समझा देती हूँ कि अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ूं एल्काइन्स पे, यस मैम, चल मैं एल्काइन्स पे चल रही हूँ, एल्काइन्स सी एन एच टू एन माइनस टू, तो इसके अंदर भी ना सी के साथ दूसरे सी का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो पहला सी टू, क्योंकि मिनिमम दो तो चाहिए ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो सी टू, टू टू जा फोर माइनस टू हो गया टू, तो सी टू एच टू, और इसका स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो इस कार्बन की चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन, इस कार्बन का चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही सी थ्री एच फोर, सी थ्री एच फोर, नेक्स्ट सी फोर एच सिक्स, C4H6, ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, ये हमारे इस तरह करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन,
ब्यूटाइन के बाद पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ऐसे करके हमारे कंपाउंड चलते रहते हैं और 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइन्स। एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, एल्कीन्स और अल्काइन्स में, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो हम लोग एल्कीन्स और अल्काइन्स को कहते हैं अनसैचुरेटेड, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड को ना हम लोग ब्रेक करते हैं और फिर वो उसकी रिएक्टिविटी काफी हाई होती है एल्कीन्स अल्काइन्स, ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। कभी भी आपसे पूछे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा हो आपको और वो पूछे कि बताओ बच्चों सैचुरेटेड है कि वो अनसैचुरेटेड है, तो आप ना कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखो, अगर कार्बन और कार्बन जितने भी कार्बन है सब आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो सैचुरेटेड, और जितने भी कार्बन है कहीं पर भी एक भी अगर जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो फिर वो होता है अनसैचुरेटेड। जितने भी अनसैचुरेटेड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और इसको डिटेल में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब ना आज एकदम धीरे धीरे करके समझा रही हूँ बच्चों, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग जेन्युइनली, मैं सच्ची बोल रही हूँ, तुम लोग मेरी सारी क्लासेस अटेंड करोगे ना, तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम प्रो बन जाओगे, प्रो मतलब एकदम बढ़िया, एकदम बहुत अच्छे से, मैं क्लास के अच्छे से नोट्स लिखोगे, ठीक है। सो ध्यान से पढ़ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स होना बहुत जरूरी है। लाइक तुम लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो मेरे हाथ में हमेशा कोई ना कोई नोटबुक होती है और इसमें सब जगह नोट्स वोट्स ही लिखे हुए, ऐसे मेरी हैंड राइटिंग में सब कुछ लिख रखा है, इतने 10 सालों से मैं ऐसे नोट्स ही लिखती रहती हूँ हमेशा। तो जितने आप लोग नोट्स बनाओगे ना बच्चों उतना आप लोग के लिए फायदा रहेगा, जितने अच्छे नोट्स बनाओगे, ठीक है। अच्छा, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन, जितने भी नोट्स बनाते हो हमेशा ट्राई करो कि कोई भी चीज समझा रही हूँ 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स करके लिखो, वो चीज बहुत जरूरी है। और कई बार जो है ना, जैसे हम लोग के घर में हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो हिंदी के अंदर कई बार कोई चीज फटाफट से लिखनी हो ना, जैसे मैंने कुछ बोली और तुम लोग को एकदम से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एकदम से ना टाइम लगे या थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको चाहे तो हिंदी में ही लिख लो, लेकिन फटाफट से लिख लो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो तो, ठीक है। नोट्स इतने अच्छे बनाओगे ना केमिस्ट्री के अंदर, वो वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कि जैसे हम बोले तो मैंने बोला प्रोपेन, तो C3H8 प्रोपेन, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। दूसरा, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म्स में ना रिप्रेजेंट करें, मैं आपसे बोलूं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होगा कि ये जो प्रोपेन है ना, मैं उसको पूरा को पूरा खोलकर रख दूं, पूरा को पूरा खोलकर, कि एक एक बॉन्ड आपको पता चल रहा हो, एक एक बॉन्ड ऐसे, एक एक बॉन्ड पूरा को पूरा खोल के रख दिया, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे ही ना इसका एक और एग्जांपल, ये तो प्रोपेन का ही लिखा था, अगर मैं बोलू, ओके यहाँ पर भी लिखती हूँ उधर भी लिखती हूँ, दूसरे पेन से कर देती हूँ, है ना। अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पर प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल होता है C3H8O, ये होता है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या होता है? ऑल अल्कोहल। जस्ट वन सेकेंड, सो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इज एन अल्कोहल, तो वो उसका कैसे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है, ऐसे 3 कार्बन
प्रोपेनॉल कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C3H8O, जिसको ना एक्चुअली ऐसे करके लिख सकते होते हैं CH3, CH2, CH2OH, तीन कार्बन है और उनके साथ OH फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है. OH इज द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर आपने एक हाइड्रोजन प्रोपेन था CH3, प्रोपेन ये था CH3, CH2, CH3, ठीक है, ये प्रोपेन था. तो आपने क्या किया, प्रोपेन जो C3H8 था उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपने हटाया, यहाँ वाला आपने हाइड्रोजन हटा दिया और ये वाला हाइड्रोजन हटाकर आपने OH लगा दिया. OH इज द फंक्शनल ग्रुप. तो ये बन गया अल्कोहल. अल्कोहल की वजह से ना इसकी अलग ही सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बन गई, एकदम अलग प्रॉपर्टीज. इसकी प्रॉपर्टीज से इसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट है, एकदम 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 डिफरेंट. कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है. ये इतना रिएक्टिव नहीं है, ये बहुत रिएक्टिव है. बहुत रिएक्टिव मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना. तो इस तरह करके हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ये है अलग अलग तरीके रिप्रेजेंट करने. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये नोट डाउन कर लो प्लीज. ठीक है, आगे बढ़ो. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस, ठीक है, C3H8 या फिर प्रोपेनॉल का C3H8O, ठीक है. अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ. अभी मैं एग्जांपल से ना बाकी वाले भी समझा रही हूँ. देखो, एक तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो आपने C3H8 लिख दिया, ठीक है. फिर है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब है कि आपने इस तरह पूरा का पूरा कंपाउंड को खोल के रख दिया, ठीक है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. फिर नेक्स्ट फिर है कंडेंस्ड फॉर्मूला. कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है. कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, CH3, CH2, CH3, ठीक है. मतलब उनको साथ साथ जोड़ जोड़ के लिख दिया, इस तरह कर कर बता दिया, है ना. और लास्ट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. फॉर्मूला ही लिखते हैं ना, सबके लिए फॉर्मूला ही हम लिखते हैं. और ये बहुत खास है, कई बार एग्जाम में ऐसे ही करके दे रखा होता है. अभी देखो, तीन कार्बन का है, प्रोपेन की ही बात कर रही हूँ, तो एक दो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वो ऐसे करते हैं. जो ये डॉट जैसा है ना, वर्टिसेस जैसा समझ लो ये, तो इसका मतलब होता है कार्बन. हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट है कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो इस कार्बन, ये वाला जो कार्बन जिसमें मेरी फिंगर है, ये वाले कार्बन जो है एक से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके बचे हुए तीन हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा. ये वाला जो बीच वाला कार्बन है जिसपे अभी मेरी फिंगर है, बीच वाला है ना, तो इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, तो इसकी दो वैलेंसीज बची हुई है, तो ये दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा. और लास्ट ये वाला कार्बन है, वो तीन हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, ठीक है. इस तरह करके बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. अब ऐसे ही बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैं ना ये वाली चीज लिख रही हूँ. अगर लेट से हमने अल्कोहल लिया C3H8O, ठीक है, तो उसको जब भी ऐसे करके लिखते, पहले यहां पर लिख देती हूँ, तो वो होता है CH3CH2CH2OH, ऐसे करके हो जाता है, ठीक है. यहां पर अगर लिखेंगे तो उसको लिख देंगे हम प्रोपेनॉल, ऐसे करके लिख देंगे. और अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखेंगे ऐसे, तीन कार्बन और इस तीसरे कार्बन से OH है, तो ऐसे करके लिखते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. देखो, कार्बन तो बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड है, कार्बन और हाइड्रोजन तो हमको नहीं दिखाना होता है. कार्बन नहीं दिखाना तो उसको डॉट से कर दिया, और वो वाले हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़े हैं उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा
कोई भी और एलिमेंट आया तो उसको आप लिखोगे. अभी बोलोगे आपने इधर हाइड्रोजन लिख दिया मैम, तो वो इसलिए लिख दिया क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ना कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन ओ से जुड़ा हुआ है, इसलिए तो हम उसको ऐसा करके लिख देते हैं. चलो अभी एग्जाम्पल्स करें. डन. आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो. सो नाउ क्विकली क्विकली अगर हम आपको कंपाउंड दें, अच्छा पहले सिंपल सिंपल वाले कर लेते हैं. ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन दैट. बॉन्ड लाइन वाला प्रैक्टिस करते हैं, बॉन्ड लाइन वाला इंपॉर्टेंट है. हाँ, सो मैंने आपको बोला इथीन, इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? C2 H4 है ना. तो आप बना सकते हो एक तो ऐसे, और बॉन्ड लाइन में कैसे बनाओगे? ऐसे. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हो प्रोपीन का C3H6, तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, तो आप बना दोगे 1, 2, 3 और ऐसे. ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं. अभी मैं एक ये वाला बनाती हूँ. हाँ, CH3CH2CH CH3CH double bond CH2. तो इसका आप कैसे बनाओगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 चौथे और पांचवे के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना दिया. तीसरे वाले पर ये CH3 है, तो ये ऐसे कर. सो ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं. हाँ, सो मैंने बोला साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब चार कार्बन और वो साइक्लिक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे. देखिए ऐसे, ब्यूट मतलब चार कार्बन, वो आपको याद करना है. मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेक्स हेप्टेक और नोन डेक. ठीक है, चार कार्बन और हर कार्बन के चार वैलेंसी होना चाहिए, टेट्रा वैलेंसी. तो कार्बन, ये वाले कार्बन जिसमें मेरी फिंगर है, वो एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, दो बॉन्ड्स उसके बिजी हो गए, दो और बचे, तो दो हाइड्रोजन से जुड़ गए. ठीक है, तो इस तरह करते हैं. और इसका जब भी आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर वो बना देते हो ऐसे. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे करके, ये होता है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. ठीक है, समझ में आया? डाउट रहता था, क्लियर हो गया. डाउट था वो क्लियर हो गया ना? यस. थैंक यू. चल ओके. अच्छा एक दो ना थोड़े से वैसे वाले एग्जांपल्स में कर लेते. जैसे मैंने बोला बच्चों ये वाला, ठीक है बनाती हूँ. ओके, CH3CH पे यहाँ डाल दिया Br, यहाँ पर C पे डाल दिया CN या साइनाइड. चलो इसको ऐसा करते हैं सर, NO2 कर देते हैं. ठीक है, और इस पे एक H बचा और CH2C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, ऐसे करके कोई कंपाउंड है. इसका मैंने बोला बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताओ, तुम क्या करोगे? 1, 2, 3, 4, 5 पांच है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है. दूसरे वाले पर Br, तीसरे वाले पर NO2, चौथा वाला एज इट इज है, फिफ्थ वाले पर C डबल बॉन्ड OH. ठीक है ना, कार्बन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और इसके भी बना देते हैं ना, इस वाले को क्यों अधूरा छोड़े. ठीक है, सो ये हो गया बच्चों हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ऑलराइट, चलो. अच्छा एक दो मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, ये वाले एनसीईआरटी में आ रखे हैं. सो एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा एक तो है, अगर हम बना दें एनसीईआरटी ना काफी इम्पोर्टेंट होती है नीट के बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नीट के तो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं. ठीक है, एक ये बना देते हैं.
और ये मैंने बॉन्डलाइन फॉर्मूला दे रखा है, बॉन्डलाइन फॉर्मूला के बेसिस पर आपको ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है। दो एग्जांपल्स लिखती हूँ मैं, सारे निकल गए, ऐसा करती हूँ, एक और दे देती हूँ, जल्दी से कोशिश करो प्लीज। ओके, जल्दी से कोशिश करो प्लीज। तो ये हमको बॉन्डलाइन फॉर्मूला दे रखा है, तो उन्होंने क्वेश्चन ऐसे बोल रखा है कि इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ। ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। रिंग में 6 कार्बन हैं, तो रिंग के 6 कार्बन बना दिए। अब इस वाले कार्बन से एक ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, इस तरह कर हमने बना दिया सी। अब कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसीज है, 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए उसमें। इस कार्बन को देखो, जिसमें मेरी फिंगर है, 2 इधर है, तो एच एच 4 बॉन्ड्स, एच एच 4 बॉन्ड्स, एच एच एच। इस कार्बन पे एक एच, इस कार्बन पर भी एक एच, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता है, सेकंड वाले के लिए जगह ही नहीं बची। सो और अब कर देते हैं इसको इधर, और इसको थोड़ा सा कर देते हैं, सी सी सी। अब सब पे हाइड्रोजन लगा दो इसके। आपको से समझ में आ गया हो कि बनाना कैसे है। ऐसे, और इसके अंदर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ठीक है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन है जिस पर OH है, और इस कार्बन से एक और कार्बन है, उसको शिफ्ट कर देते हैं। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर इससे एक और कार्बन, फिर इससे एक और कार्बन, OH वाला, फिर इससे एक और कार्बन, और एच 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 इसकी, ऐसे करके देख लो, कोई डाउट तो नहीं एवरीवन? No, ma'am. ठीक है, चल अब मैं आगे बढ़ जाऊं। कार्बन की ना ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, मतलब कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर भी कार्बन है, बालों के अंदर भी कार्बन है, प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें भी कार्बन की चेन होती है, आपके हाथ में अभी तुम पेन से लिख रहे होगे, तो पेन की जो बॉडी है ना वो प्लास्टिक की है, तो उसमें भी कार्बन है। सामने टीवी का रिमोट रखा होगा, उसका भी वो कार्बन है। प्लास्टिक की बॉटल जिसमें पानी पीते हैं, उसमें भी कार्बन है। कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। कार्बन का पॉलिथीन होता है, उसमें कार्बन है। कपड़े जो हमने पहने हैं, उसमें कार्बन है। एवरीवेयर इज कार्बन। तो कार्बन की ना यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, बहुत 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 सारे कंपाउंड, वराइटी ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो उसके दो रीजन है, एक तो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब एक कार्बन एटम चार बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, एक कार्बन एटम चार बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, मतलब इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ठीक है। और दूसरा है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कार्बन की ना सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। अभी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ सकता है, और कार्बन की ना आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं। चेन ऑफ कार्बन मतलब कार्बन ऐसे करके एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, एंड सो ऑन, लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हैं।
कार्बन आपस में लिंक करके लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। ऑफकोर्स उसकी टेट्रा वैलेंसी सैटिस्फाई कर देना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताइए। तो इस तरह करके, तो इसलिए कार्बन जो है ना हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कि मतलब इतने सारे कंपाउंड्स इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। सो कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हम लोग जो दवाइयां खाते हैं उसके अंदर कार्बन होता है, जो फिनाइल डालते हैं पोछे के लिए उसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन हमारी दवाइयां इसके अंदर, अल्कोहल जो ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उसके अंदर भी कार्बन होता है, जो आजकल वो सैनिटाइजर वो कोरोना के चक्कर में यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी कार्बन है, ठीक है। सो कार्बन जो विनेगर एसिटिक एसिड जो आप लोग चाउमीन में नूडल्स में वो जो विनेगर डालते हैं खट्टा खट्टा, उसमें कार्बन है, ठीक है। सो कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो इतना वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स की विनेगर है वो जो खट्टा खट्टा होता है, प्लास्टिक की बॉडी है इसकी पेन की तो वो भी कार्बन है। सो एवरीवेयर कार्बन, तो कार्बन इतना वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर लेता है? दो रीजन है उसके, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां से एक और चीज, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, 3D रिप्रेजेंटेशन में बताए। देखो बच्चों, हमारा जो मीथेन है CH4 सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मीथेन है, ठीक है। इसका जब आप लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे बना देते हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH4। अब इसको ना एक और तरीके से, ये तो आपने टू डायमेंशनल प्लेन में दिखा था कि बोर्ड मेरा टू डायमेंशनल है, एक्स और वाई एक्सिस उसके अंदर आपने बना दिया, लेकिन एक्चुअली में जब हम उसको थ्री डायमेंशनल में बनाते हैं तो फिर ना वो ऐसे बनता है। कार्बन लिया बीच में, ये दो हाइड्रोजन जो मैंने बॉन्ड लाइन से बनाए हैं, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन है कार्बन के साथ उसी प्लेन के अंदर, ठीक है। एक हम लोग बनाते हैं ऐसे और एक हम लोग बनाते हैं ऐसे, इधर भी हाइड्रोजन, तो मीथेन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ और इसको बड़ा कर लेती हूँ, इसको फिट कर लेती हूँ, ऐसे। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि, अच्छा और इसको मैं लिख के देती हूँ, ये जो है ना इसको बोलते हैं वेज, जो फेसिंग द ऑब्जर्वर या फिर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। अभी समझा रही हूँ, हाँ, आउट ऑफ द प्लेन, और ये बिहाइंड द ऑब्जर्वर या बिहाइंड द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन। मतलब एक सेकेंड, मुझे चार पेन लेने दो, अच्छा मेरा जो हाथ है ना वो, मेरा जो हाथ है इसको समझो कार्बन, जो मुट्ठी है, मुट्ठी मेरा कार्बन, ठीक है। ये दोनों अभी सेम प्लेन में आ सकते हैं, देखो कार्बन, ये मेरा कार्बन जो मेरा हाथ है, और ये सेम प्लेन में आ रहे हैं। देखो कोई भी दो लाइन तो एक ही प्लेन में ही आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। अभी मुझे टेट्राहेड्रल एंगल बनाना है, ये वाला पेन, नीले वाला पेन जो ये वाला है टुवर्ड्स यू, और ये वाला जो मोटा वाला पेन है, हाँ, ये पीछे की तरफ, इस तरह करके अरेंज करो कि टेट्राहेड्रल एंगल बन जाए। देखो टेट्राहेड्रल तो बन रहा है, मतलब 109 डिग्री वाला बन रहा है, ये वाला 109, ये वाला 109, है ना, 109 बन रहा है। अभी देखो बच्चों, ओके, ठीक है, ऐसे करके, सो जो ये वाला जिसमें मेरी उंगली जा रही है अभी, ये वाला और ये वाला एक प्लेन में है, जो ये वाला है नीले वाला जिसपे अभी जो आगे की तरफ है, नजर आ रही है ना, तो ये वाला है ना ये आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स यू, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो मीथेन को, ये कार्बन है, इन दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में, जिसको मैंने ऐसा करके बनाया, हाँ ऐसा करके, ये काला वाला पेन, ये काला वाला पेन और ये नीला वाला पेन एक प्लेन में, जो ये है ना टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स यू, जो तुम्हारी तरफ फेस कर रहा है, इसको बनाया वेज से,
तुम्हारी तरफ, और जो ये वाला है ना पीछे वाला, ये नीला वाला, ये वाला, ठीक है, ये भी 109 डिग्री पे, ये बिहाइंड द प्लेन है, ये प्लेन के पीछे की तरफ है, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बिहाइंड द प्लेन, आया समझ में? इस तरह करके होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कई बार ना आगे जब भी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये वाली चीज का इस्तेमाल होता है कि दो बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं, जो वेज से रिप्रेजेंट किया वो टुवर्ड्स यू, तुम्हारी तरफ आ रहा है, मुझे पास खड़ा होना चाहिए आई थिंक, है ना, और जो ये वाला है ना, ये वाला, ये पीछे की तरफ आ रहा है, और ये एंगल्स अब आपस में 109 डिग्री बना रहे होते हैं, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना, ऐसे करते, इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मॉडल। ऑलराइट, डन, सबको समझ में आए? ऐसे ऐसे करके थ्री डायमेंशनल ऐसे ही बनाते ना, कई बार वैसी वाली चेयर देखी होती है ना, इसका ऐसे करके होता है और ऐसे तीन पैर निकले हुए होते हैं, मतलब है ना, एक ऊपर और तीन नीचे, तो जॉइंट को मान लो कार्बन, और वो जो तीन पैर निकले हुए हैं वो तीन बॉन्ड्स हो गए, उसके बाकी के तीन हाइड्रोजन और ये ऊपर वाला भी हाइड्रोजन, इन सबके बीच का एंगल 109.5 डिग्री, ये टुवर्ड्स यू और ये वाला बिहाइंड द प्लेन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या फिर आउट ऑफ द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन, दोनों के दोनों बाहर निकले होते, ये वाले एक प्लेन में होते हैं। ऑलराइट, करीना मुस्कान, गुड, ओके, चल आगे बढ़ते। अब ये हो गया, ये हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। मैं नेक्स्ट उस पे आ रही हूँ, डिग्री ऑफ कार्बन, ये लिख लेना, वेज मतलब आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये इसको बोलते हैं डैश्ड, डैश्ड, जो ये से डैश 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 करके लिखता है, छोटा बड़ा बड़ा, और यहाँ पे और बड़ा हो जाता है ना, अच्छा नहीं बना, तो मैं तो इसको दोबारा से बनाती हूँ, है वो अच्छी, छोटा बड़ा 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 होता है, ऐसे करके जाता है ना, छोटा 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 करके बड़ा करके जाता है, ठीक है, छोटा बड़ा 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 बड़ा, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिग्री ऑफ कार्बन, सो इसके ऊपर भी काफी बारी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाए, ऐसे करके बना दिया मैंने, हाँ ऐसे करके बना दिया मैंने, ठीक है, अभी देखो ध्यान से, इसके अंदर हम डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जॉइंड टू दैट पर्टिकुलर कार्बन। अभी समझाती हूँ इसका मीनिंग क्या है, देखो मैं ना पहले तो ऐसे करके लिख रखा है, बॉन्ड लाइन की फॉर्म में लिख दिया, तो हमको तो बॉन्ड लाइन अच्छी नहीं लगती है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले वो वाला खोलकर पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना लेते, कैसे बनाएंगे, CH3 पहला वाला, फिर दो CH2 है, CH2 CH2, फिर तीसरे वाले से ये ऊपर ऐसे है H CH2 C CH3 CH3, ऐसे करके हमने पहले तो इसको खोल के रख लिया, देख लो एक बार करेक्ट है ना, एक कार्बन दो कार्बन तीन चार पांच छ सात, एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है, एक दो तीन चार, चार पे एक ऐसा, एक दो तीन चार, चौथे पे ऐसे ऊपर पांच छ, छठे पे दो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वाला कार्बन जो लेफ्ट मोस्ट कार्बन है सबसे लेफ्ट में, ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं हम वन डिग्री कार्बन, वन डिग्री कार्बन, और वन डिग्री वाले को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, वन डिग्री वाले को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है, क्योंकि ये एक ही से कनेक्टेड है। जो ये वाला है दूसरा वाले नंबर पे, है ना, ये एक इधर इस कार्बन से कनेक्टेड है
एक इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री के वाले का नाम होता है सेकेंडरी कार्बन। तीसरा वाला भी सेकेंडरी होएगा क्योंकि ये इधर और इधर इससे कनेक्टेड है, तो इसको भी हम बोल देंगे सेकेंडरी कार्बन। ये वाला कितने से कनेक्टेड है, 1, 2, 3, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, टर्शियरी। यस, तो टर्शियरी कार्बन। और एक बार ना इसके ऊपर वाले कार्बन को भी देखो, ये वाला कार्बन अब ये तो सिर्फ इसी से कनेक्टेड है ना, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अगेन। ठीक है, ये वाला फिर से 2 से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी। ये वाला 1, 2, 3, 4 से कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। और ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा मैं कोई स्ट्रक्चर बना के दे दूं तो हम आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि बच्चों मुझे बताओ प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्राइमरी कार्बन है। मैंने आपसे पूछा सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 3 सेकेंडरी कार्बन है। टर्शियरी कार्बन 1 है, क्वार्टरनरी कार्बन भी 1 है। ओके, अब इसके साथ अगला सवाल पूछूं, इसके अंदर और क्या क्वेश्चन बनता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन हम आपसे पूछे हैं कि बच्चों मुझे बताओ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो तुम क्या करोगे, काउंट कर लो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, बोल दो कि 15 प्राइमरी हाइड्रोजन है ना। या फिर एक और तरीका है, आप प्राइमरी कार्बन निकालो, तो ये तो हम लोग प्राइमरी, अगर हम कार्बन की बात करें तो ये 5 थे, ये 3 थे, ये 1, ये 1 है ना। अगर हम आपसे हाइड्रोजन पूछे तो आपको क्या करना होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन निकालने हो ना, तो प्राइमरी कार्बन निकालो और जितने प्राइमरी कार्बन है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक प्राइमरी कार्बन 3 से जुड़ा होता है, तो 3 × 5 = 15 ही बनेगा आंसर। ऐसे 2 डिग्री वाले कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन पूछे हम आपसे कि बताओ बच्चों नंबर सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, जितने भी 2 डिग्री वाले कार्बन हो 3 है तो 6 आएगा आंसर। देखो चेक भी कर सकते हो, इधर इधर और इधर, 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शरी कार्बन कितने हैं, क्वार्टरनरी कार्बन कितने हैं, तो देखकर आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर हम आपसे पूछे प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, या तो देखकर काउंट करो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी कार्बन तो निकाल लिए ना, जितने प्राइमरी कार्बन निकले उतने को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको प्राइमरी हाइड्रोजन मिल जाएंगे, जितने सेकेंडरी कार्बन निकले उनते को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टर्शियरी हाइड्रोजन निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। टर्शियरी हाइड्रोजन निकालने के लिए बेटा, टर्शियरी हाइड्रोजन इधर है ना, ये कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है ना। यस मैम। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, into 1। और क्वार्टरनरी हाइड्रोजन कितने आए होंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, 0 से, क्योंकि अगर क्वार्टरनरी कार्बन है तो वो चारों, उसके एक कार्बन के चारों बॉन्ड्स तो कार्बन के साथ ही सैटिस्फाई हो गए ना, हाइड्रोजन की तो जगह बची ही नहीं है ना, तो ऐसे करके नोट दिस डाउन। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पर चलूँ क्वेश्चन दो। यस मैम। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, फाइंड आउट
टोटल नंबर ऑफ टू डिग्री हाइड्रोजन एटम्स. चलो जल्दी से करो प्लीज. फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स. मैम फोर. कम नहीं आ रहे, एक बार चेक करो. ओके हाइड्रोजन है ना. मैम 12 कार्बन तो चार है और हाइड्रोजन. सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? चार. चार. ये वाला टू डिग्री. यस मैम. ये वाला टू डिग्री. यस मैम. ये वाला टू डिग्री. यही आंसर है क्या सबका? एक बार चेक करो प्लीज. यस मैम. अरे तुमने तो आंसर दिया, बाकी जन चुप है ना, तो इसलिए. अभय आ गया. अंजलि, भावना, दिव्यांशु. yes, है ना? यस मैम. खोल कर लिखूं इसको, बनाऊं? नो मैम. डन है? यस मैम. चलो नेक्स्ट. डिग्री ऑफ कार्बन हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो गया. नेक्स्ट है, ओ अच्छा ये वाला रह गया, सुपर प्राइमरी. सुपर प्राइमरी कार्बन. सुपर प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? वो वाला कार्बन जिसकी जीरो डिग्री हो. जीरो डिग्री मतलब वो वाला कार्बन जो किसी और कार्बन से कनेक्टेड हो ही ना, उसको हम बोलते हैं सुपर प्राइमरी. जैसे कि जीरो डिग्री कार्बन. जीरो डिग्री कार्बन. जीरो डिग्री कार्बन. जीरो डिग्री कार्बन एक कार्बन एटम और किसी भी कार्बन एटम से कनेक्टेड है. देखो अगर कोई कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड हो तो 1 डिग्री, 2 से कनेक्टेड हो तो 2 डिग्री, 3 से कनेक्टेड हो तो 3 डिग्री, 4 से कनेक्टेड हो तो 4 डिग्री, लेकिन वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो 0 डिग्री. और 0 डिग्री का नाम होता है सुपर प्राइमरी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपर प्राइमरी. अच्छा नेक्स्ट. नेक्स्ट चल रहे हम. नेक्स्ट इज degree of alcohols. So next is degree of alcohol. ठीक है, alcohol के degree हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमारे पास है ethanol. ethanol का मतलब हो गया CH3CH2OH. This is our ethanol. ठीक है, so OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल के लिए. अल्कोहल के लिए OH बोलता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH. तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है. OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन की डिग्री विल बी द डिग्री ऑफ अल्कोहल. तो OH एक कार्बन से कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है ना. ये वाला कार्बन कितने कार्बनों से कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन सिर्फ एक से कनेक्टेड है, तो फिर ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल. ऐसे ही अगर हमारे पास होता सी से इधर OH कर देते हैं, इधर CH3, इधर CH3H, तो ये वाला हो गया 2 डिग्री अल्कोहल. क्यों? OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो 2 डिग्री अल्कोहल. ऐसे ही OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको आप बोलोगे 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, OH जितने कार्बन से कनेक्टेड हो, दैट इज द OH जिस कार्बन से कनेक्टेड हो वो वाला कार्बन जितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो दैट विल बी द डिग्री ऑफ अल्कोहल. मतलब इसको प्लीज लिख लो OH, हिंदी में लिखना पड़ेगा,
the degree of carbon to which OH group is attached. Definition. Degree of carbon to which OH group is attached. उसको हम बोलते हैं degree of the alcohol. ऐसे करके ठीक है. इस पे क्वेश्चन दे देती हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन. ठीक है. सो क्वेश्चन है आपका. अच्छा इन तीनों की डिग्री बताओ. एक के क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है. ठीक है चलो सॉल्व करो प्लीज. अभी तो 6:50 होने वाले हैं. मेरे को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एसपी एसपी टू एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बतानी है. नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगी नॉमेनक्लेचर. ठीक है संडे को है शायद. हाँ क्या मैम मैम हो गया. चलो ये वाला OH किस कार्बन से कनेक्टेड है. इस कार्बन की डिग्री क्या है. एक से ही कनेक्टेड है तो वन डिग्री अल्कोहल. ये वाला बताओ. ये वाला OH किस कार्बन से कनेक्टेड है. ये दो से कनेक्टेड है तो टू डिग्री अल्कोहल. ये वाला कार्बन देखो OH इससे कनेक्टेड है. ये वाला कार्बन इधर 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 तीन से कनेक्टेड है तो थ्री डिग्री अल्कोहल. ठीक है वन डिग्री अल्कोहल टू डिग्री अल्कोहल थ्री डिग्री अल्कोहल. अच्छा अभी ये क्या है. फिनॉल है ये. यस मैम यस मैम. ये चीज तो याद है. एटलीस्ट 12th के बच्चों को याद होगी. दिस इज फिनॉल. यस मैम फिनॉल. अगर 11th के बच्चों को 11th पास कर चुके हो आना चाहिए फिनॉल है. ठीक है सो अगर हमने आपसे पूछा कि बेटा मुझे इस अल्कोहल की डिग्री बताओ तो एक बार ही को मन में क्या आता है ना. इसको तो ऐसा करके सोच सकते हो है ना. और इसके अंदर बॉन्ड कैसे होता है. ऐसे ऐसे ऐसे. So, एक बार इसको मन में आ सकता है कि मैम ये वाले कार्बन को देख लेते हैं. ये दो से कनेक्टेड है तो दो डिग्री हो गया. बट नो दिस इज नॉट एन अल्कोहल. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट एन अल्कोहल बच्चों. इसकी आप डिग्री नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये अल्कोहल नहीं है. जो 12th पास जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं 12th पास कर चुके हैं बच्चों. अल्कोहल फिनॉल ईथर ऐसे करके चैप्टर का नाम है ना. अल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग होती है. फिनॉल की प्रॉपर्टीज अलग होती है. फिनॉल और अल्कोहल की प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती है. उसके अंदर हम लोग अल्कोहल से सिमिलर नहीं होता है. तो फिर हम लोग बोलते हैं इसके अंदर आप इसको आप अल्कोहल कह ही नहीं सकते हो. फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल. ठीक है So, इसको आप डिग्री नहीं बोलोगे. दिस इज नॉट एन अल्कोहल. इसके अंदर आप ये नहीं बोलोगे कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी डिग्री चेक कर लो. तो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी डिग्री चेक करो दो डिग्री. तो टेक्निकली ये टू डिग्री अल्कोहल होना चाहिए बट नहीं दिस इज नॉट एन अल्कोहल. ठीक है डन. अब मैं आगे आ रही हूँ बच्चों. नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ. ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी ये वाला चीज हमने कवर कर ली है. इसके बाद ओके नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. मैं लास्ट उस पे आ रही हूँ आज के टॉपिक के लिए. हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है अब मैं कंपाउंड बना देती हूँ. सी सी यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ CH3 कर दिया और
यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, सी एच थ्री और सबकी वैलेंसी लगा देती हूँ, एच एच एच, ठीक है। आई थिंक सबकी चार चार वैलेंसी होगी, इधर चार है सबकी, इधर चार है, इधर चार है, चार चार चार। ओके, जब भी मैं ऐसा कोई कंपाउंड दे दू तो जब भी कार्बन पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो तो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब 25% s कैरेक्टर, 75% p कैरेक्टर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे ही अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो sp2, एक सिग्मा एक पाई, और कार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, इस पे भी डबल बॉन्ड है sp2, इस पर ट्रिपल बॉन्ड है sp, इस पे भी sp, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ पर sp3, sp2, sp3। तो कार्बन की आपसे हाइब्रिडाइजेशन बच्चों पूछ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बताते हो, किसी भी कार्बन पे अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हो, तो फिर sp3। अगर एक डबल बॉन्ड आ गया, या फिर कह लो कि एक पाई बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड, ठीक है, तो फिर आप बोलते हो sp2। और अगर आपके पास जो है उस पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब एक सिग्मा दो पाई, ठीक है, तो फिर आप कहते हो sp। हाइब्रिडाइजेशन याद है, sp sp2 sp3 है ना, टेट्राहेड्रल प्लेनर लीनियर, है ना। ये समझ में आया, मैं क्वेश्चन लिख दूं? यस मैम, यस मैम, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, sp3 होता है टेट्राहेड्रल, sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और sp होता है लीनियर शेप्स, हाइब्रिडाइजेशंस। बच्चों sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल, sp2 हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब अगर sp2 हो गया ना तो एक प्लेन, क्या हो गया मैम sp3d, sp3d वो होता है, मैं यहाँ पर बना देती हूँ sp3d, हमको अभी तो नहीं करना है, लेकिन मैं एक सेकेंड इसको बताते कैसे हैं। हाँ, तो अगर sp3 है तो होता है टेट्राहेड्रल, मतलब जैसे सी है एच 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 एच, टेट्राहेड्रल। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब जैसे sp2 है तो आप बोलोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 जैसे मैंने बनाया, तो पे आप ऐसे कर सकते हो, ये सारे के सारे एटम्स, चारों हाइड्रोजन दोनों कार्बन एक प्लेन में है, एक प्लेन में, और ट्राइगोनल प्लेनर को ना आप ऐसे भी बनाते थे, ये इधर रखा, चलो वो वाले नहीं बनते अभी, तो फिर उसमें आ जाएगा ना, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे होता है कि एक ही प्लेन में आते हैं, तो मैं बना के तो ऐसे करके बनता है। अगर AB3 है ना तो A और AB3 S, एक प्लेन में आता है ट्राइगोनल प्लेनर के बीच में, और तीन ट्राइंगल उसमें भी आ रहे हैं, या फिर ये भी ना एक ट्राइंगल जैसा, ट्राइगोनल प्लेनर, सारे के सारे एटम्स
दोनों कार्बन चारों हाइड्रोजन सेम प्लेन में आते हैं, डायगोनल प्लेनर। और ऐसे ही अगर हम बोले इस वाले को क्लियर कैसे करते हैं, अगर मैंने बोला sp तो sp होता है लीनियर ऐसे, मतलब ना एक सिलेंड्रिकल जैसा सा होता है स्ट्रक्चर। यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से सॉरी एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कार्बन जो है ना, मतलब ये इसको कार्बन मान लो और यहाँ पर भी कार्बन मान लो, उनके बीच में तीन बॉन्ड्स है, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा ए बी पाई, ए बी पाई। और अभी एक बच्चे ने पूछा था sp3d, सो sp3d हमको इस चैप्टर में तो नहीं करना है, लेकिन अगर sp3 बोले ना तो उसका एग्जांपल है जैसे pcl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब पी से cl cl cl, ये तीनों के तीनों क्लोरीन तो एक प्लेन में हो गए, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके PCl5, ठीक है। अच्छा मैं वापस इस पर आ रही हूँ फटाफट से। अब मुझे बच्चों जल्दी से बताओ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट, घट जाए, लेट्स स्टार्ट। ओके, इस वाले कार्बन की sp sp2 sp3 sp, इसकी भी sp, इस वाले की sp2, इसकी sp2 और लास्ट वाले की sp3। क्या इसमें कोई डाउट है या सबको आता है? ऑल गुड, आता है ना, ठीक है। ये वाला sp2, अभी इस वाले को देखना, इसके पास दो पाई है। हमने कहा था कि अगर चारों सिग्मा हो तो sp3, अगर यहाँ पर ऐसे कर लो जीरो पाई बॉन्ड्स है, जीरो पाई बॉन्ड्स है तो sp3, एक पाई आया तो sp2, दो पाई आ गए तो sp। देखो इस वाले पर दो पाई आ गए ना, इसकी हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले की एक पाई है तो sp2, लास्ट वाले की इसके अंदर sp3। अभी इस वाले में बताओ प्लीज, sp3 sp2 sp3 sp3 sp sp2, मेरे को प्लीज समझ में आया? अच्छा एक और सवाल मेरा बता दो प्लीज, पूछूं? मैंने शुरुआत करी थी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से। बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल हो तो बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अदरवाइज इट इज सैचुरेटेड। ये वाला अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है? पहला वाला अनसैचुरेटेड है ना, ये वाला भी अनसैचुरेटेड। अच्छा बाय चांस, अच्छा ये वाला थर्ड वाला है सैचुरेटेड, यस मैम, कोई वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल हो तो वो अनसैचुरेटेड कहलाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में। ओके यस मैम, चलो थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं।